हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड राइडर व्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग भारत दर्शन पार्क आए थे, तो आइए आपको पूरा भारत दर्शन पार्क दिखाते हैं। तो गाइस, ये भारत दर्शन पार्क की पार्किंग है और यहाँ पर बाइक की पार्किंग 20 रुपये और कार की पार्किंग 40 रुपये। और अगर आपको यहाँ पर अपनी बाइक या कार पार्क करनी है तो आपको उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, माई पार्किंग ऐप, वहीं से आपकी पेमेंट होगी। तो गाइस, ये भारत दर्शन पार्क का मेन गेट है और यहीं से आपके राइट में टिकट काउंटर है। यहाँ पर 2 टिकट काउंटर बन रखे हैं, जो कि अभी एक बंद है और दूसरा चालू है। तो गाइस, भारत दर्शन पार्क का टिकट प्राइस आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं वीडियो में आपको बोल के नहीं बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइस, जैसे ही हम मेन गेट से अंदर आएंगे, हमारे सामने कुछ ये व्यू आता है। तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने सोलर सिस्टम भी लगा रखे, जो कि एक पेड़ की शेप में और जो अपने आप में एक अलग ही लुक देते हैं। तो गाइस, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो गाइस, अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर ना इन्होंने हर चीज़ के 2 बोर्ड लगा रखे, मतलब एक ओरिजिनल और एक जो इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। तो गाइस, मैं आपको आगे जाके दोनों बोर्ड नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि इसके चक्कर में वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और गाइस, ये वटवृक्ष के चारों तरफ फाउंटेन चला और ये फाउंटेन के बीच में इन्होंने बना रखा है। तो यार गाइस, ये हवा महल है, आप इसके बारे में वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हैं पूरा। तो गाइस, ये हमारा गोल गुंबद है और ये देश का सबसे बड़ा गुंबद है। और गाइस, ये हमारा कुतुब मीनार है। और गाइस, ये विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। और गाइस, ये पूरा हमारा सिटिंग एरिया है कुतुब मीनार के चारों तरफ, आप कहीं पे ही बैठ सकते हैं, अपना फोटो शूट करा सकते हैं। तो गाइस, अब जो आप आगे देखोगे वो नालंदा है। तो गाइस, माना जाता है ज्ञान का एक प्राचीन केंद्र है। तो गाइस, यहाँ पर आपको एक कैंटीन भी मिल जाएगी, इसमें आपको कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। और गाइस, ये हमारा मीनाक्षी मंदिर है। और गाइस, मीनाक्षी मंदिर के बाहर इन्होंने एक बेंच भी रख रखा है, जहां पर बैठ के आप अपनी फोटो शूट करा सकते हैं। और गाइस, ये हमारा बद्रीनाथ मंदिर है। और गाइस, ये हमारा द्वारकाधीश मंदिर है। और गाइस, ये हमारा रामेश्वरम मंदिर है।
और गाइस ये जगन्नाथपुरी है। जैसे कि आप बोर्ड में पढ़ सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें हम देखेंगे। और गाइस ये जो आप सामने देख रहे हो महाबत पैलेस है, अगर गाइस आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, मैं आपको हर चीज बोल के नहीं बता रहा हूँ। और गाइस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप देश की सारी पुरानी स्मारक देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। और गाइस ये सांची स्तूपा है। और गाइस यहाँ इन्होंने ये बैठने के लिए सिटिंग एरिया दे रखा है जहाँ पर आप अपनी फोटो शूट भी करा सकते हैं। तो गाइस चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। तो गाइस ये विक्टोरिया पैलेस है। और गाइस ये हम्पी रथ है। और गाइस आप इसके पहिए देखो कितने बड़े हैं। और गाइस यहाँ पर आप अपनी फोटो शूट करा सकते हैं बटरफ्लाई के आगे। और गाइस ये हमारा ताजमहल है जो कि आगरा में है। और गाइस ये मैसूर पैलेस है। यहाँ पर भी अपना फोटो शूट करा सकते हैं इसके अंदर बैठ के। गाइस अब जो हम आगे देखेंगे वो ये सारी चीजें हैं। और गाइस ये चार मीनार है, ये हैदराबाद की पहचान है। और गाइस ये हमारा कोणार्क मंदिर है। और गाइस इस मंदिर के बाहर एक घंटी भी लगी हुई है। और गाइस ये अजंता और अलोरा की गुफाएं हैं। तो गाइस अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल को अच्छा सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।